हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनोज सैनी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? चैनल बेटर मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ एक मैथमेटिक्स टीचर और मैं कक्षा 11 और 12 के सभी कॉन्सेप्ट्स को उनकी एक्सरसाइज को हल करते हुए तो आपको बताऊंगा। थैंक यू। हाँ जी, तो आज का पहला टॉपिक है, कक्षा 12 का पहला टॉपिक है संयुक्त फलन। आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त फलन के बारे में। संयुक्त फलन क्या होता है, संयुक्त फलन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर प्रमेय दी गई हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज के अनुसार कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो संयुक्त फलन को पढ़ने से पहले मेरी सभी विद्यार्थियों से यह गुजारिश है कि वह फलन को अच्छे तरह से पढ़ें, क्योंकि बिना फलन को जाने हम संयुक्त फलन को कभी भी ढंग से नहीं सीख सकते हैं। तो संयुक्त फलन को सीखने से पहले मैं फलन को बेसिक इंट्रोडक्शन पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम फलन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने फलन के बारे में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। हम सभी जानते हैं कि इस डेफिनेशन के अनुसार फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जो किसी अरिक्त समुच्चय ए से दूसरे किसी अरिक्त समुच्चय बी के मध्य इस प्रकार संबंधित होता है कि ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से विशिष्ट प्रकार से संबंधित होता है। तो इस फलन की डेफिनेशन से क्लियर है कि फलन एक विशेष प्रकार का रिलेशन ही है। प्रत्येक रिलेशन को फलन नहीं कह सकते, पर प्रत्येक फलन को एक रिलेशन सदैव कहते हैं। तो फलन में आखिर ऐसा क्या है कि जो इसको एक साधारण एक नॉर्मल रिलेशन से जो अलग करता है? तो फलन बेसिकली एक विशिष्ट प्रकार का संबंध है जो कि एक समुच्चय ए से दूसरे समुच्चय बी के बीच संबंधित होता है। किस प्रकार होता है कि फलन होने के लिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से विशेष रूप से संबंधित होते हैं। यही एक विशिष्ट संबंध होता है। इसके अलावा समुच्चय ए का कोई भी दो अवयव समुच्चय बी के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं हो सकते। ये फलन के अंदर दो प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कौन सा संबंध एक फलन हो सकता है और कौन सा संबंध फलन नहीं हो सकता है। किसी भी फलन को एफ कॉलन ए टू बी से दर्शाते हैं। यहाँ पे जो कॉलन है, इस कॉलन का मीनिंग होता है एक मैपिंग, यानी समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से किस प्रकार से संबंधित हैं। बेसिकली जो पहला समुच्चय ए है इसको हम कहते हैं प्रांत, फलन का प्रांत, और बी जो है इसे हम कहते हैं फलन का सहप्रांत। और समुच्चय ए के वो सभी अवयव जो समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं, तो ऐसे सभी समुच्चय बी के अवयवों का समूह कहलाता है परिसर। यानी फलन के अंदर परिसर जो है वो ऑलवेज एक सबसेट होगा इसका, सहप्रांत का। इसी चीज को हमने एक मैपिंग के द्वारा भी दर्शाया है। जैसे फर्स्ट केस की यदि बात करें, यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी है। समुच्चय ए के तीन एलिमेंट और समुच्चय बी के भी तीन एलिमेंट हैं, परंतु यहाँ समुच्चय ए का एक्स वन एलिमेंट समुच्चय बी के वाई वन और वाई टू एलिमेंट से संबंधित है। इस कारण से यह संबंध एक फलन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भी डेफिनेशन बताया था कि समुच्चय की फलन के अंदर कभी भी समुच्चय ए का या प्रांत का कोई भी अवयव एक समुच्चय बी के या छह प्रांत के दो या दो से अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता है। सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पर समुच्चय ए का एक्स वन अवयव समुच्चय बी के वाई वन अवयव से संबंधित है, परंतु समुच्चय ए का एक्स टू अवयव किसी भी बी के अवयव से संबंधित नहीं है, अतः यह संबंध भी फलन नहीं कहा जा सकता। यदि तीसरे केस की बात करें तो यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी के मध्य में जो संबंध है, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो तीनों अवयव हैं समुच्चय ए के,
वो समुच्चय V के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, और x1 x2 x3 तीनों आपके लिए तीनों किस V के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, अतः यह संबंध एक सदैव फलन होगा। दोस्तों ये सदैव ध्यान रखिएगा कि जब भी फलन की बात करें तो सहप्रांत या कोडोमेन के कोई एलिमेंट्स रिमेन रह भी सकता है, परंतु डोमेन या प्रांत का एक भी एलिमेंट रिमेन नहीं रह सकता इस चीज। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फलनों के प्रकार। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि फलनों के जो प्रकार हैं यह उनके अवयवों के संबंध के आधार पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फलनों के प्रकार में डिस्कस करते हैं, मुख्य रूप से चार ही प्रकार हैं, जिसमें एक एक की, बहु एक की, अंतरछेपी, आच्छादक, और एक हम एक एक की और आच्छादक को मिला के एक एक की आच्छादक प्रकार, एक नया प्रकार भी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक की होने के लिए दोस्तों ये जरूरी है कि प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के केवल और केवल एक विशिष्ट अवयव से ही संबंधित हो, तो यह ऐसा फलन सदैव एक एक ही कहलाता है। दूसरी बात करें बहु एक ही के अंदर प्रांत एक के दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं x2 और x3 जो प्रांत एक के अवयव हैं, यह सह प्रांत बी के अवयव बाई टू से संबंधित हैं, अतः ऐसा फलन बहु एक ही कहलाता है। नेक्स्ट है अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी की यदि बात करें तो यदि प्रांत ए के सभी अवयव प्रांत बी के सभी अवयवों से संबंधित तो हैं, परंतु प्रांत बी का कोई एक या एक से अधिक अवयव शेष रह सकता है। शेष का मतलब है वह बी का कोई ऐसा अवयव हो सकता है जो प्रांत ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो ऐसा फलन अंतरक्षेपी या इसको इंटू फलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आच्छादक। जब प्रांत ए के सभी अवयव सह प्रांत बी के सभी अवयवों से इस प्रकार संबंधित हो कि सह प्रांत बी का कोई भी अवयव शेष नहीं रहे, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। यदि हम इस वाले केस को देखें तो यहाँ पर यह फलन एक एक ही फलन को भी दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयव प्रांत सह प्रांत बी के केवल विशिष्ट अवयवों से ही संबंधित हैं, यानी प्रांत ए के कोई भी दो या दो से अधिक अवयव प्रांत बी के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं है, अतः यह जो फलन है यह आच्छादक भी है और एकेकी भी है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एकेकी आच्छादक। हालांकि आच्छादक के अंदर आपका बहु एकी आच्छादक भी हो सकता है और एकेकी आच्छादक भी हो सकता है, परंतु यह वाला केस आपको एकेकी आच्छादक फलन को ही दर्शाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फलनों का संयुक्तिकरण। अब हम फलनों का बेसिक इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, इसलिए अब हम आसानी से फलनों का संयुक्तिकरण पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है कि किन्हीं भी दो फलनों का संयुक्तिकरण तभी किया जा सकता है जबकि दोनों ही फलन एक एक की आच्छादक हो, यानी दोनों फलनों का संयुक्तिकरण करना है तो दोनों फलनों का एक एक की और आच्छादक दोनों ही होना अति आवश्यक है। यदि दोनों फलनों में से कोई भी एक फलन एक एक ही है या केवल आच्छादक ही है, तो ऐसे किन्हीं भी दो फलनों का संयुक्तिकरण नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई दो फलन एफ और जी
जिन्हें हम मानकर चलते हैं कि यदि एक एक ही आच्छादक हैं, तो इन दोनों फलनों का संयुक्तिकरण कुछ इस प्रकार होगा। यदि कोई फलन f a से b, यदि कोई फलन g b से c परिभाषित है, तो उनका संयुक्त फलन g o f a से c परिभाषित होगा। दोस्तों, जब भी हम बात करें संयुक्त फलन की, तो चाहे हम g o f की बात करें या आगे हम f o g की बात भी करेंगे, तो सदैव ध्यान रखिए फलनों को रिवर्स ऑर्डर में रीड जरूर करें। जैसे जीओ एफ का मतलब एफ से जी की ओ, ये रिवर्स ऑर्डर है, यानी एफ से जी की ओ होने के लिए आप देख सकते हैं कि यदि एफ ए से बी परिभाषित है, जी बी से सी परिभाषित है, तो फलन एफ का कोडोमेन और फलन जी का डोमेन दोनों समान हैं, तभी इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन जीओ एफ ए से सी के बीच परिभाषित होगा। परंतु यदि मैं इसी में कहना चाहूं कि एफ ओ जी, तो एफ ओ जी का मतलब होता है जी से एफ की ओर। तो जी से एफ की ओर देखें तो जी से एफ की ओर बी टू सी है, जी बी टू सी है, तो यहाँ पर जी का जो कोडोमेन है वो एफ का जो डोमेन है ए उसके बराबर तो नहीं है, अतः यहाँ पर एफ ओ जी विद्यमान नहीं हो सकता। तो जब भी कोई फलन एफ ए से बी तथा कोई दूसरा फलन जी बी टू सी परिभाषित है, तो इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन जी ओ एफ ए टू सी ही परिभाषित होगा, परंतु इस स्थिति में एफ ओ जी विद्यमान नहीं हो सकता। हालांकि ये कोई भी स्टूडेंट नहीं माने कि एफ ओ जी कभी विद्यमान होगा ही नहीं, नहीं, यह केवल डिपेंड कर रहा है यहाँ पर समुच्चयों के ऑर्डर पर। इसको हम एक उदाहरण से भी समझते हैं कि यदि कोई फलन f r से r, जहां fx बराबर sin x है, कोई अनदर फलन g r to r, जहां gx बराबर x square है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि fx बराबर sin x और gx बराबर x square दोनों ही फलन आपके सदैव एक एक की आच्छादक फलन है, ठीक है, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो जीओ एफ तथा एफ ओ जी हमें ज्ञात करना है। तो जीओ एफ स्पष्ट है कि जब एफ भी आर टू आर और जी भी आर टू आर परिभाषित है, तो इस कंडीशन में जीओ एफ और एफ ओ जी दोनों ही आर से आर ही परिभाषित होंगे, ठीक है। जीओ एफ एक्स का मतलब है जी ऑफ द एफ एक्स, जी ऑफ द एफ एक्स बराबर गिवन है sin x, तो जी ऑफ sin x बराबर जी sin x, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। इसी प्रकार f o g x की बात करें तो ये हो गया f ऑफ द जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स बराबर है आपका x स्क्वायर, तो f ऑफ x स्क्वायर हो गया यहाँ पे sin, ये आपका f x बराबर sin x है, तो x की जगह क्या पुट करना है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप इस स्थिति में चाहे यहाँ जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों के डोमेन और कोडोमेन इक्वल हैं, उसके बावजूद भी दोनों फलनों का संयुक्ति फलन यानी जी ओ एफ और एफ ओ जी का जो रिजल्ट है वो आपका डिफर है, ये डिफरेंट है, क्लियर, थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं संयुक्त फलन के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है कि संयुक्त फलन का क्रम विनिमय होना कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभार संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकते हैं, परंतु हमेशा ही वह क्रम विनिमय नियम का पालन करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि f और g कोई दो फलन हैं, तो उनका संयुक्त फलन f o g और g o f दोनों एग्जिस्ट करें, ये दोनों विद्यमान हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यदि वह विद्यमान होते भी हैं तो उनके मान समान हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, अर्थात दोनों फलन बराबर हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे कि यदि f a से b और g b से c कोई फलन है, तो यहाँ पर f, यहाँ पर g
जियो एफ एच से सी तो विद्यमान है परंतु एफ ओ जी यहाँ विद्यमान नहीं हो सकता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संयुक्त फलन सदैव क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करते। सेकंड गुणधर्म की बात करें तो संयुक्त फलन सहचर नियम का सदैव पालन करते हैं। इसको समझने के लिए माना कि तीन फलन एफ जी और एच है, जहां एच ए से बी, जी बी से सी और एफ सी से टी विद्यमान है। यदि ये तीनों ही एक एक ही आच्छादक फलन हैं, जबकि एच एक्स बराबर वाई और जी एक्स बराबर जेड दिया गया है, तो एफ ओ एफ ऑफ द जी ओ एच इक्वल होना चाहिए एफ ओ जी ऑफ एच के। इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। एफ ऑफ द जी ओ एच ये तो स्पष्ट है कि जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर ट्रेस करते हैं तो एफ ऑफ द जी ओ एच ए से डी और एफ ओ जी ऑफ एच भी ए से डी के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि हम बात करें एफ ऑफ द जी ओ एच की, तो एफ ऑफ द जी ओ एच एक्स को हम एफ ऑफ द जी ऑफ द एच एक्स लिख सकते हैं। एच एक्स गिवन है वाई के, तो एफ ऑफ द जी वाई हो गया जी वाई, फिर इसको हम एफ ऑफ द जी वाई लिख सकते हैं। और जी वाई इक्वल्स टू यहाँ से जी एक्स बराबर जेड है, तो जी वाई इक्वल्स टू भी जेड होगा, तो ये आपका हो गया कम्प्लीटली एफ जेड। तो एफ ऑफ द जी ओ एच एक्स की वैल्यू इक्वल होती है एफ जेड के। अब सेकेंड पार्ट के अंदर बात करें एफ ओ जी ऑफ एच, तो एफ ओ जी ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू एफ ओ जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। एच एक्स गिवन है इक्वल्स टू वाई के, तो एफ ओ जी ऑफ वाई हो गया, इसे हम एफ ऑफ द जी वाई भी लिख सकते हैं, और जी वाई यहाँ से दोबारा से हम जेड के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो गया एफ जेड। तो स्पष्ट है कि एफ ऑफ द जी ओ एच एक्स और एफ ओ जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू दोनों की समान प्राप्त होती है, दोनों ही फलन के डोमेन और कोडोमेन भी समान है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों संयुक्त फलन समान है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम बात करते हैं जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो एक एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी सदैव एक एक की आच्छादक होता है। इसे समझने के लिए माना कि दो फलन एफ ए से बी और जी बी से सी एक एक की आच्छादक फलन है, तो इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन जी ओ एफ ए टू सी भी एक एक की आच्छादक होगा। इसे हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए यदि पहले हम बात करें कि जी ओ एफ एक एक की है, तो एक एक की होने की शर्त के अनुसार जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू होना चाहिए, जहां एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू ए। जी ओ एफ एक्स वन यानी जी ऑफ द एफ एक्स वन, जी ओ एफ एक्स टू मीन्स जी ऑफ द एफ एक्स टू। तो जी एक्स फलन यदि आप ध्यान से देखें तो एफ ए से बी और जी बी से बी टू सी एक एक की आच्छादक फलन है। तो स्पष्ट है कि जी के तो जी ऑफ द एफ एक्स वन भी एक 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 जी ऑफ द एफ एक्स भी एक 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 की फलन ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होना चाहिए। यदि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है, तो एफ एक्स फलन भी एक 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 ही फलन है, अतः एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि जब जी ओ एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ओ एफ एक्स टू है, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, अतः हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ एक एक ही फलन है। इसी प्रकार यदि बात करें जी ओ एफ आच्छादक है, तो आच्छादक होने के लिए जी ओ एफ ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए। ये भी एक पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जी ओ एफ की, तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ द एफ एक्स, और एफ एक्स फलन भी आपका एक आच्छादक फलन है। यदि एफ एक्स आच्छादक है, तो जी ऑफ द एफ एक्स भी आच्छादक ही होगा, अतः जी ओ एफ कम्प्लीटली आच्छादक फलन ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ यदि एफ ए से बी तथा जी बी से सी दो एक एक की आच्छादक फलन है, तो इन दोनों का संयुक्त फलन जी ओ एफ ए टू सी भी सदैव एक एक की आच्छादक ही होगा। थैंक यू।